नमस्कार जी, जय भोले बाबा। कैसे हैं आप सब? बताने जा रही हूँ, 10 जुलाई से दोस्तों सोमवार सावन के शुरू हो रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें अपने घर ले आएं तो आपको लाभ ही लाभ और शुभ लाभ होगा। यूँ तो भोले बाबा की उपासना कभी भी करना पुण्य कार्य है, और यदि सोमवार हो तो क्या कहना, यह तो भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन ही है। ऊपर से सावन का महीना हो तो या तो सोने पर सुहागा होगा। यह अवसर 10 जुलाई को आ रहा है जब ये संयोग आएगा। इस मौके पर यदि भोलेनाथ के मन पसंद की कुछ चीज़ें घर लाई जाएं तो ये दोगुना फल देती हैं, जैसे कि रुद्राक्ष, गंगा जल, चांदी का नाग, भस्म, डमरू इत्यादि। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें घर में ले आते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा जो हैं, आप एक लोटा जल चढ़ा देंगे तो उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सावन के महीने में सोमवार के व्रत की सर्वाधिक महिमा है। सोमवार के दिन भगवान शिव एवं माँ पार्वती के उपासना के साथ ही शिवलिंग की उपासना करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र सहजी बना जा सकता है। सावन में कुछ लोग पूर्णिमा से और कई संक्रांति से सावन के व्रत रखते हैं। पूर्णिमा से माने तो कल से ही सावन का महीना शुरू है। सावन में भगवान शिव की उपासना अर्चना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को कुछ चीज़ें बहुत प्रिय हैं। सावन में इन वस्तुओं को घर में रखा जाए तो भगवान शिव की विशेष अनुकंपा मिलती है। इसके साथ ही साथ हर जो आप काम करते हैं उसमें भी आपको शुभ लाभ मिलता है। भस्म भगवान शिव की प्रिय चीज़ों में से एक है। सावन में भस्म लाकर घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के साथ अवश्य रखें। दोस्तों, अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ से आप भस्म ले आइए, तो उसे आप अपने मंदिर में ज़रूर रखिए। सावन के महीने में माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से हुई है। सावन में रुद्राक्ष को घर के मुखिया के कमरे में रखें, इससे लाभी लाभ की प्राप्ति होती है। गंगा जल सबसे पवित्र है। भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया था। गंगा जल को घर के रसोई घर में रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा पैसे ही पैसे बरसते हैं। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर के दोस्तों मुख्य द्वार के नीचे दबाएं, इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास गमला है दोस्तों और फ्लैट्स में हैं तो वहाँ पे तो आप दबा नहीं सकते, तो आप गमले में की मिट्टी में दबा दीजिए। वास्तु के अनुसार घर में चांदी या तांबे के नंदी अलमारी या तिजोरी में रखें, जहाँ पैसे और ज्वेलरी रखी हो। ऐसा करने से घर में बरकत ही बरकत बनी रहती है और घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। घर के जिस हिस्से में पारिवारिक सदस्य अधिक समय रहते हों वहाँ तांबे के लोटे में जल भरकर रखें, इससे पारिवारिक सदस्यों के मध्य प्यार और विश्वास और भरोसा बना रहता है। बच्चों के कमरे में डमरू जरूर रखें, इससे बच्चों पर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं डालती और उन्हें हर कार्य में सक्सेस मिलती है। दोस्तों, घर के मुख्य हाल में सावन के दौरान चांदी या तांबे का त्रिशूल जरूर रखें। ऐसा करने से घर पर किसी भी तरह की निगेटिविटी नहीं आती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।